देखते हैं आज की खबर। विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के टेंट सिटी के पास गोदाम में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात भयानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि थोड़ी ही देर में गोदाम जलकर खाक हो गया। आग जब तक टेंटों तक पहुंचती तब तक उस पर काबू पा लिया गया था। इन टेंटों में आग लगने के समय 500 टूरिस्ट ठहरे हुए थे। आग लगने का जल्दी पता लग गया था और टूरिस्टों को जल्दी से बाहर निकाल लिया गया, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने की सूचना पर मौके पर 3 फायर ब्रिगेड पहुंची। फायर ब्रिगेड ने तत्परता से आग पर काबू पाया। थोड़ी ही देर में आग पर पूरी तरह कंट्रोल पा लिया गया। घटना बुधवार सुबह 3 से 4 बजे के बीच की है। टूरिस्टों की सुविधा के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास टेंट सिटी बसाई गई है, जिसमें करीब 200 टेंट बने हुए हैं। इसी टेंट सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन तक रुके थे, जब इस जगह पूरे देश भर के डीजी कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को स्टैचू ऑफ यूनिटी देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यहाँ उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा आसमान को छू रही है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।